हेलो गाइज, मेरा नाम है शिंग और आप देख रहे हैं ऑटो गेमर 7। तो गाइज, आज का मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम चुराने वाले हैं दो मनी बैंक वाली जो बैन होती है ना, जिसमें पैसा ही पैसा होता है, वो उन दोनों को चुराएंगे। पर पहले उस जगह पे जहाँ वो खड़ी होती है, उस जगह का नाप वगैरह लेंगे। इस मिशन में फुल्ली यही है कि कैसे नाप वगैरह लिया जाएगा और कहाँ ये खड़ी होती है। तो गाइज, मैं हूँ अभी माइकल के कैरेक्टर में और माइकल भाई जो है वो एक बार के अंदर आए हुए हैं। एक्चुअल में मैं बाहर के मतलब बार के बाहर जो बैक साइड में जो ये मिशन शो कर रहा था, जहाँ पे ये मार्क शो कर रहा था, वो एक कॉर्नर साइड में था। तो भाई मैं वहाँ 3 दिन से परेशान था, मुझे मिल ही नहीं रहा था। और मैं जब भी इस बार में आता था तो बस यहाँ तो बस डांस और बस कुछ नहीं। फिर एक दिन मैं बाहर के अंदर आया आज, तो जब मैंने देखा कि ये मिशन इसके अंदर ही शो कर रहा है, जो कि बाहर के प्राइवेट रूम में होता है। और भाई मैं उसके पीछे पीछे चलता चला जाता हूँ। तो जब ये लास्ट रूम ओपन करता हूँ तो भाई अंदर होता है ड्राइवर, जो कि ड्रिंक पी रहा है। और वो बोलता कि भाई कोई इस फ्रिज के अंदर है, और उन लोगों का प्लान चल रहा था। तभी इधर आ जाता है अपना फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन भी इस मिशन में कंप्लीट होता है। और इन लोगों में प्लानिंग चलती है कि भाई देखो लूटते हैं और तीनों आपस में बांटते हैं और अपनी फैमिली के साथ मजे करते हैं। बट ड्राइवर की बातें बस ऐसी बड़बोली होती हैं, इसलिए माइकल ज़्यादा उन पर फोकस नहीं देता और ना ही फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन बस ताली बजाकर कह देता है कि ठीक है भाई, तुम्हारी बात में दम है। पर वो एक भी दिमाग से नहीं है और उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है लेस्टर। तो लेस्टर बताता है कहाँ जाना है, मैं बताऊँगा। तो माइकल, ट्रेवर एंड लेस्टर, और भाई इन तीनों को प्लान समझाता है लेस्टर। तो लेस्टर तो देखो लंगड़ा है अभी। लेस्टर इन तीनों बंदों को फुल प्लान समझाएगा कि इस तरीके से जाना है, ये सिचुएशंस है। और भाई हेलीकॉप्टर से हम जाकर वहाँ पे उस एरिया का, मतलब जिस एरिया में वो बैंक वाली बैन जो खड़ी होती है, जिसके अंदर मनी होती है, मनी बैंक वाली बैन, तो उस एरिया का पूरा जायजा लिया जाएगा। और भाई अभी तो इस नेक्स्ट मिशन में ना जो होने वाला वो उससे भी ज़्यादा तगड़ा। एक्चुअल मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, तो मैं वो नेक्स्ट डे डालने वाला, आई मीन कल डालने वाला हूँ। तो अगर आपने ये मिशन देखा तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो और देखिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि उसमें ड्राइवर जो है माइकल को एक जगह जाकर छोड़ आता है, आई मीन माइकल उसके पीछे जाता है। तो भाई वो बहुत दूर उसको छोड़ा। अभी आपने देखा ना वो फ्रिज में जो बॉडी गिरी थी, भाई उसी से रिलेट नेक्स्ट मिशन है। तो अभी यहाँ पर भाई ड्राइवर आगे निकल गया, मैं माइकल के कैरेक्टर में हूँ और उसे चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। और मैं भी ड्राइवर के कैरेक्टर में आ गया हूँ और माइकल जस्ट पीछे है। तो भाई वैसे भी हमको चलना भी उसे ड्राइवर कैरेक्टर में था, और भाई ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी। यार कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर का तो ये आम बात है। बट भाई यहाँ पे वो फुल्ली बंदा जो लेस्टर है वो समझा रहा है कि इस सिचुएशन में जाना। और वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसके पास गन होती है, तो गन वाले सिक्योरिटी गार्ड से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो अभी देख लो कैसे तुम जा सकते हो। बट अभी वहाँ पे सिर्फ जायजा लिया जाएगा उस जगह का, और पूरी तरीके से उसको देखा जाएगा। और यहाँ से लेस्टर जो है ड्राइवर को बता रहा होता है कि भाई उसमें इतना पैसा है और अगर सही से लूट हो गई तो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। तो ड्राइवर कहता है मैं उसका 50% लूँगा। तो लेस्टर बस कह देता है ठीक है तुम रख लेना, बट ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो पैसा अगर लूट होती है तो इसमें 4 लोगों में ही बराबर का होगा। बट ड्राइवर को अलग से 20% चाहिए। तो लेस्टर बोल देता ठीक है अभी इस मिशन को कंप्लीट करते हो, उसके बाद ही ये समझौता होगा। पर ड्राइवर बोलता है नहीं, मेरे को सीरियसली मुझे चाहिए पैसा। ड्राइवर उसकी बात को नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि ड्राइवर तो फुल्ली टाइम बस बड़बड़ 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 करता ही रहता है। अभी भाई हम हैं ऑन द वे इन मिशन साइड, और ये जो जगह जा रहे हैं वो काफ़ी
मतलब एकदम यूनिक है। और अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट उस जगह पर जहाँ पर हेलीकॉप्टर जो स्टैंड रहता है, मतलब जो जहाँ पर ट्रेवर ने वो चीनुक हेलीकॉप्टर जो खड़ा किया था उस जगह पर। और मैं भी माइकल के कैरेक्टर में जाकर देखता हूँ कि वो भाई कहाँ पर है। और वो एक लॉस सैंटोस सिटी में ही है जो कि बैंक जा रहा है, मतलब जहाँ पे जो पैसा रखा जाता है, ये रही वो बैंक। अभी हम देख पा रहे हैं वो बैंक है। तो भाई ये है वो बैंक यूनियन डेपोसिटो। और भाई इसका सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ है गन के साथ है। तो अभी हमने उसे देख लिया है। अभी हम दोबारा से ट्रेवर के ही कैरेक्टर में चलते हैं क्योंकि यहाँ तो कोई सीन है नहीं। यहाँ तो ये लोग फोटो वगैरह जो भी लेना होगा ले लेंगे, क्योंकि क्या है जो मेन प्लान है वो हमारा जो कैसे किस जगह से, मतलब किस रास्ते से वो गाड़ियाँ जाती हैं और कैसे जाती हैं, कहाँ मोड़ पर रुकती हैं, वो सब को नोटिस करके उसका वीडियो शूट करना है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट मिशन में उसकी लूट करेंगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने उस अड्डे पर जहाँ पे हम लोग हेलीकॉप्टर वगैरह खड़े करते हैं। और ये पास में फैक्ट्री है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। हर सिटी में कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वगैरह तो लगी रहती हैं। क्या अभी देखिए गाइस, हमारा है सामने ही वो रनवे जहाँ पे हम अपना प्लेन और कंटेनर वगैरह सब यहाँ चुरा के रखते हैं। तो ये रहा सामने हेलीकॉप्टर जो कि भाई लेस्टर का है। तो अभी हम पहुँच गए हैं। अभी मेरे को उसी जगह पे ये गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी जिस जगह पर उसमें बोला गया है। तो वो रहा, और अभी हमको हेलीकॉप्टर में बैठना है। तो अपनी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाकर खड़ी कर देता हूँ। और ये जगह परफेक्ट है, ज़्यादा पास भी नहीं दूर भी नहीं। अभी हम चलते हैं हेलीकॉप्टर में। भाई हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। ड्राइवर बोलता है कि भाई अपन चलाएंगे, नो टेंशन, मस्ती से बैठो, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लेस्टर चुपचाप बस बैठ जाता है क्योंकि लेस्टर उसके साथ फिर कन्वर्सेशन पे आ जाता है, जो कि लेस्टर कन्वर्सेशन करता है माइकल से कि हम लोग यहाँ हेलीकॉप्टर लेकर निकल गए तो तुम भी ऑन द लोकेशन पे पहुँच जाओ। भाई वो लोग तो बैंक के पास, और भाई यहाँ तो हेलीकॉप्टर टकराने वाला था पवन इस चक्की से, वरना अभी भिड़ जाता। इसके प्रोपेलर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और अगर इससे ज़रा टकराओगे तो आपके डायरेक्ट प्लेन पर ही चोट पड़ेगी। और प्लेन पर चोट पड़ी तो भाई प्लेन फुल्ली क्रैश हो जाएगा। और हमको प्लेन यहाँ क्रैश नहीं करना है कि हमको जाके उस जगह का जो जहाँ पे वो बैन जो खड़ी होती है जिसमें पैसा भरा हुआ है भाई, उसका लेना है नाप उस जगह का किस तरीके से, किस सिचुएशन में। तो हम बिना किसी से लड़े भिड़े सीधे चलते हैं अपने मिशन पॉइंट की ओर। और भाई ये देखो लेस्टर पीछे बैठा हुआ है और हमारा ड्राइवर भाई जो है वो प्लेन उड़ा रहा है। क्या ही मस्त प्लेन उड़ाता है, एकदम बढ़िया। और ये देखो नीचे भाई वो डैम खतरनाक लग रहा है, बट ये वही है जो यूएसए का सबसे बड़ा डैम था अभी। और मैं इस टाइम पर हूँ हाईवे पर और बस ऑलमोस्ट सिटी के अंदर पहुँच चुका हूँ और बैंक के पास पहुँच चुका हूँ। और ये मैं पहुँच गया हूँ तो थोड़ा प्लेन को नीचे कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ऊपर हूँ भाई, इतना ऊपर नहीं जाना है मैंने। और ये यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। और भाई ये रही वो दोनों गाड़ियाँ जिसमें पैसा भरा हुआ है। अभी लेस्टर जो है वो इनकी रिकॉर्डिंग करने पे लग गया है भाई। तो लेस्टर का काम ठीक है, लेस्टर तो रिकॉर्डिंग करेगा, बट हमको रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी। और मुझे लगा कि शायद लेस्टर रिकॉर्डिंग करेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लेन भी अपने आप मूवमेंट करेगा, बट ऐसा नहीं था और वहीं पर मिस्टेक हो जाती है।
हमको शो ही नहीं होता है कि वो किस साइड में बैन जो है वो चली गई हैं, या उन्हें कैन भी बोलते हैं, बट ठीक है मैं तो बैन ही बोलूँगा क्योंकि पैसे वाली बैन है। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से मौका मिलता है बट मैं भाई उससे बोल देता हूँ लेस्टर से कि तुम अपनी वीडियो बनाओ, बट मेरे को प्लेन का लोकेशन ऑन टॉप पे चाहिए ही चाहिए। बट ठीक है मैं उनको लेस्टर को भाई परमिशन दे देता हूँ कि वो अपना आराम से वीडियो बनाए, बट मैं प्लेन ऊपर ही ऊपर चलाऊंगा, तो प्लेन को आराम से मैं बैन के आसपास ही रखता हूँ। और भाई ये चल रही है बैंक की तरफ जो है, और भाई सेम सिचुएशन में दोनों एक साइड चलती जा रही हैं। और अभी आप देख लो भाई हम चल रहे सीधे सीधे, बीच में कोई ही लफड़ा नहीं है, आराम से। और इनका वीडियो भी शूट करते चल रहे हैं ताकि इनकी लोकेशन जो है वो भी क्लियर रहे। और जो लेस्टर है, लेस्टर जो है माइकल को बता रहा है और ड्राइवर को भी बता रहा है कि भाई इस हिसाब से है और ये ब्रिज इसके नीचे से जा रही हैं वगैरह वगैरह। फुल्ली रिकॉर्डेड हो रही है वीडियो, आई मीन लेस्टर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कि कोई भी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, और किस तरीके से हम इसको अगर चोरी की प्लानिंग करते हैं तो किस सिचुएशन में किस तरीके से चुराते हैं। एक्चुअल में गाइस ये जो मिशन है ना भाई, इस मिशन के ही आई थिंक 3 पार्ट बनेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये पूरा एरिया का जायजा ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बैन रुकी हुई है तो भाई इस सिचुएशन में भी लूट सकते हैं, और आगे भी बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ लूट सकते हैं या फिर बैंक के अंदर भी कैसे लूट सकते हैं इनको। तो ये जो मिशन है ये पार्ट फर्स्ट है, अभी नेक्स्ट पार्ट और भाई उसका भी नेक्स्ट पार्ट है, तो मतलब ये वाला मिशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है। मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट करके बनाया है तो ये आ चुका है आराम से 18 मिनट में कंप्लीट है। मतलब ये मिशन एक पार्ट वन है, उसके बाद पार्ट 2 और भाई पार्ट 3 और पता नहीं मेरे हिसाब से शायद पार्ट 4 भी हो सकता है। अभी यहाँ से अंडरग्राउंड ये लोग चली जाती है, ऊपर बिल्डिंग बनी हुई होती है भाई, तो यहाँ से सीधे निकलते हैं वो लोग आगे, जो कि ऊपर से एक हाईवे वाला रोड भी निकल जाता है। और भाई वो बिल्कुल निकलते हैं आके यहाँ पर जो 6 लैंड रोड होती है उस पे आकर टच देते हैं। अभी आप देख सकते हो जो कि अभी अंडरग्राउंड नहीं चल रहे हैं, लैंड के अंदर ही चल रहे हैं, और यहाँ पे आ गई हैं, दोबारा से शो हो जाती हैं। और ये है इनकी यहीं पर बैंक, अभी आप देखिए बैंक देखना बैंक समझ जाओगे। और ये वही बिल्डिंग है जो लास्ट मिशन में हमें आज जंप कर रहे थे, प्रोपेलर वो कंटेनर के ऊपर हमें जो जंप करना था, वही देख सकते हो, वो भी मिशन बहुत बढ़िया है। और ये आ गई बैंक, और यहीं पर जो है गाड़ी चली जाएंगी। और भाई बैंक ये रही जो कि इसका सिक्योरिटी गार्ड है ये, कि ठीक है यहाँ पे अपनी 2 गाड़ियाँ आ गई हैं। और भाई वो इसका आईडी कार्ड देखता है, फिर इसे अंदर जाने देता है, और इसके पास मशीन गन है। और भाई इसके पास मतलब दो दो गन है, एक मशीन गन भी है और उसके पास भी एक अलग गन भी है। तो मैं इसके पास देख लेता हूँ, इसके पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कि मुझे एस्टर बोलता है कि सर्च टू कंस्ट्रक्शन वर्क। तो अभी हम सर्च कर रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्क किस साइड है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना प्लेन को खड़ा करके देखा जाए, बट लेस्टर मना कर देता है। तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों लेस्टर क्यों मना कर रहा है। और भाई ये इस पोल से हम टकराने वाले थे तो एकदम मैंने बचा ली गाड़ी को। और ये रहा भाई, इस तरफ चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, ये आप देख रहे हो कितना नीचे तक भाई खुदा हुआ, तगड़ा खुदा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद यहाँ पर आराम से खड़े होकर हम फोटो वगैरह लेते, बट ऐसा नहीं होता है भाई। मैं प्लेन को लैंड करा देता हूँ, लेस्टर मना कर देता है कि तुमको प्लेन से बाहर नहीं निकलना है। और भाई यहाँ जो नीचे सुरंग दिखाई जा रही, यही वो सुरंग है जहाँ से हम वो लूट पाएंगे, आई मीन वो जो दोनों बैंकों में पैसे हैं, आई थिंक 1 मिलियन डॉलर है, तो वो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। तो उसको लूटने के लिए भाई एक तगड़ा प्लान तो चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे मैं प्लेन लैंड करता हूँ, और जैसे ही उतरता हूँ तो भाई लेस्टर बोलता है चुपचाप प्लेन के अंदर बैठ जाओ,
वरना यही मिशन फेल कर दिया तो भाई चुपचाप मैं दोबारा बैठ जाता हूँ और दोबारा से भाई प्लेन को टेक ऑफ करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन वर्क के जस्ट ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि मिशन ही यही है, उसके ऊपर जस्ट लाना है। उसके बाद भाई उस एरिया की जो नीचे एरिया उसकी रिकॉर्डिंग करनी, जस्ट लाइक दैट। और भाई देख रहे हो आप कंस्ट्रक्शन वर्क में, और एक्चुअल में यही रास्ता जो है हमको बैंक के डोर तक पहुँचाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट वीडियो बन चुकी है, अभी शायद एक एंगल और चाहिए इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एक इसको और दे देते हैं भाई व्यू, क्योंकि ज़रूरी है भाई फुल्ली व्यू कंप्लीट हो जाना ज़्यादा सही है। ये देख रहे हो यहाँ पे फुल्ली व्यू कंप्लीट हो गया। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, इतनी मेहनत का एक सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी सिचुएशन आपको समझ में नहीं आती तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उसमें फुल्ली तरीके से समझा दूंगा कि भाई कैसी कैसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से गेम को हैंडल करना है। तो अभी भाई मैं यहाँ पर ड्राइवर के कैरेक्टर में आता हूँ, ड्राइवर तो उधर ही प्लेन चला रहा है, ये मैं आ गया हूँ माइकल के कैरेक्टर में। अभी माइकल को लेकर चलना है फ्रैंकलिन के घर पे, क्योंकि फ्रैंकलिन को अपने घर से जाकर ही रेडी होकर आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास फुल्ली ड्रेस है। तो अभी हम जा रहे हैं फ्रैंकलिन के घर पे, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास ही तीनों मास्क हैं जिससे फेस छुप जाता है, तो वो अपना सामान वामान सब रेडी करेगा। तो अभी हम नेक्स्ट मिशन में फुल्ली रेडी होकर आएंगे, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट मिशन को भी इसमें ऐड करता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए नेक्स्ट मिशन की वीडियो मैंने अलग कर दिया। आज का जो मिशन था उसको मैंने फुल्ली कंप्लीट किया है, मतलब जो एरिया है उस फुल्ली एरिया को हमको स्कैन करके दिखाना था कि भाई जो एरिया है, मतलब स्कैन करने का मिशन मिला था कि आप उस एरिया को पर्टिकुलर देख लीजिए जहाँ से आप चोरी करने वाले हो। बैन के एरिया फुल्ली तरीके से देख लिया, मतलब हमको सुरंग से जाना है बैंक के अंदर और वहाँ से भाई पैसा चुराना है। तो सुरंग से अगर जाना पड़ेगा तो पर्टिकुलर है कि मास्क पहन के जाना पड़ेगा ताकि कोई भी हमको पहचान ना पाए। सो अभी फ्रैंकलिन जो है वो माइकल को उसके घर छोड़ने आया, माइकल जो है फ्रैंकलिन को उसके घर छोड़ने आया। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने दोस्तों में भी वीडियो आप शेयर कर सकते हो और भाई वो भी मिशन को इसको आगे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे माइकल फ्रैंकलिन को छोड़ देता है और बोल देता है भाई फुल्ली रेडी हो गया अब तू निकलना। तो यही मेरा मिशन था जो आज का कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट मिशन भाई इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जो कि बहुत फाड़ है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड नाइट, टेक केयर, टाटा बाय।